हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है आई स्टैंडर्ड्स राइट बेसिकली आई के बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था तो वो वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में जाके मिल जाएगा वहाँ से देख के आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई की ले सकते हो राइट right? अब अगर हम बात करें कि वॉट आर द वेरियस आई स्टैंडर्ड्स जो कि बेसिकली डिफरेंट यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड मीन्स आई मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या करता है डिफरेंट एक्सेस राइट्स एंड मीन्स की प्रिवलेजेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट यूजर्स को यानी कि किस कि यूज़र को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और वो किस तरीके से सर्विसेज को यूज कर सकता है उसके डिफरेंट सर्कमस्टांसिस को आई एम डिफाइन करता है राइट right? तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मीन्स यूजर को डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए या सरकम डिफाइन करने के लिए कि किस सर्कमस्टांसिस में यूजर सर्विसेज को यूज़ कर सकता है उसके लिए सम यहाँ पर स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं उस स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके उनको फॉलो करके यूजर डिफरेंट सर्विसेज को यूज कर सकता है डिफरेंट यहाँ पे सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है राइट तो वन बाय वन यहाँ पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को हम देखेंगे और उसका क्या फंक्शनिंग होता है उसको स्टडी करेंगे राइट तो सबसे पहला यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली एल डी ए पी एल डी ए पी स्टैंड फॉर लाइट वेट डायरेक्ट्री एक्सेस प्रोटोकॉल राइट right. तो ये क्या है बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कि डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट एक्सेस राइट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जा हैं राइट तो इस प्रोटोकॉल में जो भी सेट ऑफ़ स्टैंडर्ड्स डिफाइन है जो भी रूल्स यहाँ पर डिफाइन किए गए उन रूल्स का यूज़ करके बेसिकली यहाँ पर यूजर डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है उसी पे बेस्ड डिफरेंट सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर सकता है और उसमें डिफरेंट सर्वकंस्टांसिस भी डिफाइन होते हैं कि किस तरीके से यूजर को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है ऑथराइजेशन किस तरीके से प्रोवाइड करना है तो ये सारी चीजें बेसिकली इस प्रोटोकॉल में डिफाइन होती हैं तो इसी को फॉलो करके यूजर डिफरेंट सर्विसेज को यूज कर सकते हैं राइट right? ये हो गया अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे है एमएफए राइट एम एफ ए स्टैंड फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि सपोज मीन्स कि अगर कोई भी यूजर है तो उसका ऑथेंटिकेशन मैंने आपको क्या बताया था कि वो हम यूजर नेम एंड पासवर्ड के कॉम्बिनेशन उसका यूज करके डिफरेंट यूजर का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं राइट तो मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या कहता है कि ये आप जो यूजर ऑथेंटिकेशन कर रहे हो ये तो करो ही इसके साथ साथ जो सिस्टम अवेलेबल है उन सिस्टम का ऑथेंटिकेशन भी रिक्वायर्ड है राइट right? तो उसके लिए लेक like, सिस्टम का आई पी एड्रेस आप यूज कर सकते हो या जो नेटवर्क में वो पुट किया गया है उसका नेटवर्क एड्रेस यूज कर सकते हो ठीक है या जो होस्ट है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसका होस्ट एड्रेस भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम तो एम में ये क्या करता है टुगेदर विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड इट रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स यानी कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क में जो भी सिस्टम्स पुट किए गए हैं जो डिफरेंट यूजर को इस कॉम्बिनेशन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वो ऑथेंटिकेट करने के बाद ही वो डिफरेंट यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है राइट right? अब इससे क्या है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी सिक्योरिटी की कि एक तो यहाँ पे आपने यूजर को आइडेंटिफाई किया देन आपने यहाँ पे सिस्टम को मीन्स नेटवर्क सिस्टम और नेटवर्क का आइडेंटिफिकेशन उसका सिक्योरिटी देन तो ये ये मिलके एक सब ये डिफरेंट सिक्योरिटीज एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट सिस्टम्स को एंड यूजर्स को राइट नेक्स्ट स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड यहां पे है रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन ठीक है रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है ये देखो एक तो ये है प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड अगर प्रोवाइडेड है मीन्स कि आपको पता है कि क्या सिचुएशन अराइज होने वाली है तो अकॉर्डिंगली आप वहां पे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स यूज कर सकते हो उसके लिए मैकेजम्स यूज कर सकते हो राइट right? बट कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ कंडीशंस पता नहीं होती है सडन कोई भी इस टाइप का रिस्क अराइज होता है मीन्स सपोज नेटवर्क अगर उससे क्लाउड पे ही है सपोज अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही जा रही है और अचानक से वहां पर सपोज नोट फेलियर होता है ठीक या जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाता है ठीक तो इन दैट केस क्या होगा वहां पे कुछ वहां पे सिक्योरिटी वहाँ मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो फेल होता है उस पर जो भी डेटा पुट किया गया है वो लॉस ना हो राइट तो इसके लिए रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज किए जाते हैं राइट ये करता क्या है बेसिकली डायनेमिक एडजस्टमेंट ऑफ यूजर्स रिक्वायरमेंट मींस कि अगर टाइम टू टाइम यूजर के रिक्वायरमेंट चेंज भी होती है या कोई सडन ऐसा यहां पे सिचुएशन अराइज होता है तो उसके लिए भी ये रेडी रहता है और इस पे बेस्ड डिफरेंट यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है मान लो यहां पे अगर यूजर वन है इसका कोई रिक्वायरमेंट आर वन या इसी तरीके से यूजर टू इसका कोई रिक्वायरमेंट आर टू ठीक है ये था यहां से स्टार्ट किया था इन्होंने सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए अब सपोज सडन यहां पर वन का रिक्वायरमेंट चेंज होकर R2 पे चला गया और टू का चेंज हो गया यहां पर आर वन तो यहां पे क्या होगा डिफरेंट शेड्यूलिंग मैकेनिज्म और डिफरेंट रिक्वायरमेंट मैकेनिज्म पे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एक्चुअली रिक्वायर होगा जो कि क्या करेगा एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजर्स मीनस जिन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट दूसरे रिसोर्स क्यों किया था अब उसका रिक्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिसोर्सेज मैनेज किए जा सकते हैं और यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती तो है राइट तो ये है रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तो नेक्स्ट इज सिंगल साइन ऑन सिंगल साइन ऑन का मतलब यह है कि सपोज किसी सिंगल क्रेडेंशियल से अगर मल्टीपल अकाउंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं मल्टीपल सर्विसेज को एक्सेस किया जा सकता है तो दिस इज कॉल्ड सिंगल साइन ऑन ठीक है इसका एक एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल है जैसे कई बार आप सपोज किसी वेबसाइट पे अगर लॉग इन करते हो तो वो आपके गूगल अकाउंट से भी लॉग इन कर लेता है या फेसबुक अकाउंट से भी लॉग इन कर लेता है तो क्या है सपोज फेसबुक पे आपने अकाउंट क्रिएट किया तो वो आपका फेसबुक का तो क्रेडेंशियल है ही प्लस उसी से किसी दूसरे सर्विस को भी आप एक्सेस कर पा रहे हो वो दूसरा वेबसाइट जो है वो क्या करता है वो फेसबुक का जो सर्वर है वहां से मीन्स यहाँ पे जैसे ये सर्विस अगर फेसबुक और इसका जो सर्वर है यहीं से क्या कर सकता है उस पर्टिकुलर यूजर को आइडेंटिफाई कर सकता है ठीक है क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑलरेडी फेसबुक के थ्रू इस यूजर को आइडेंटिफाई किया गया है उसको ऑथराइज किया गया है तो इसी के सर्वर से अब जो दूसरा सिस्टम होगा दूसरा सर्विस होगा वो पर्टिकुलरली इसी से इसको वेरीफाई कर लेगा और इस पर्टिकुलर यूजर को सर्विस प्रोवाइड कर देगा राइट तो ये स्टैंडर्ड है आपका सिंगल साइन ऑन जिसमें कि मैंने क्या मेंशन किया मल्टीपल सिस्टम्स कैन बी एक्स विद सिंगल क्रेडेंशियल्स राइट तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड अब लास्ट में जो है यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स राइट यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स का मतलब ये है कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि सपोज किसी पर्टिकुलर टर्म के बारे में अगर आप बार बार सर्च करते हो तो उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट फ्लैश होने लगता है आपके सिस्टम पे ठीक है तो इससे होता क्या है एक्चुअली जो यूजर बार बार टाइप करता है मींस जो भी यहाँ पर डिटेल्स वो चेक करता है जो इस पैटर्न पे चेक करता है तो वो सारा एनालिसिस वो यूजर का टाइम टू टाइम वहाँ पे परफॉर्म होता रहता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम एडमिन या जो सिस्टम का वहाँ पे एडमिन है या सर्वर पे जो डेटा स्टोर हो रहा है उसको एनालिसिस करके तो उसी पे बेस्ड क्या है डिफरेंट सर्विसेज यूजर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड की जा सकती है और वहाँ से यूजर उन सर्विसेज को चाहे तो यूज कर सकते हैं ठीक तो इसमें क्या होता है बेसिकली इट एग्जामिनिंग द पैटर्न ऑफ यूजर्स बिहेवियर यानी कि जो यूज़र का बिहेवियर है मीन्स यूजर जो सर्च कर रहा है जो अनालइज कर रहा है उसी पे बेस्ड उसका एग्जामिनेशन उसका चेकिंग और उसी पे बेस्ड डिफरेंट यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं राइट सो ये था आपका बेसिकली डिफरेंट आई एम स्टैंडर्ड्स इसको अगर फॉलो किया जाए तो इसको फॉलो करके डिफरेंट यूजर को टाइम टू टाइम डिफरेंट सिनेरियो पे बेस्ड डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सकता है राइट तो so, इसमें बेसिकली फाइव स्टैंडर्ड जो ये मोस्टली यूज किए जाते हैं और भी स्टैंडर्ड्स ऐसे अवेलेबल हैं अगर आप अगर आप इसको सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मल्टीपल स्टैंडर्ड्स और भी मिल जाएंगे बट यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आप सिंपली इसको स्टडी कर सकते हो बट अगर आपको लगता है कि और भी स्टैंडर्ड्स आप चाहते हो लिखना या और भी पढ़ना चाहते हो उसके बारे में तो आप उसको चेक कर सकते हो वो आपको ईजिली गूगल पे मिल जाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें थी तो बेसिकली ये स्टडी किया हमने एल लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल देन एम एफ ए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसमें कि कई सारा यहाँ पे मींस की नेटवर्क का ऑथेंटिकेशन प्लस यूजर का ऑथेंटिकेशन देन रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिंगल साइन ऑन एंड यूजर बिहेवियर एनालिसिस ये सारा था आपका बेसिकली आई एम स्टैंडर्ड जिसको कि सिंपली यूजर यूज कर सकता है राइट right? सो so, आज के लिए बस इतना ही बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो जैसे कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे ठीक है थैंक यू सो मच